अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें, मैं जैसा कि मैंने लिंक ऊपर दिया हुआ है, और वीडियो को लाइक कर दिया करें मस्ट, और वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दिया करें ताकि आपको भूले ना, और नए आने वाले को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो चले करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। मैं यहाँ पे डिनर बना रही थी, जो है ना चिकन और भिंडी। ये फ्राइडे का क्लिप है, तो उस रात को मैंने बनाया था भिंडी और गोश्त, जो कि बड़ा मज़े का बना था। खुद की तारीफ़ नहीं करूँगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसा बना था, तो इसलिए खुद की तारीफ़ कर रही हूँ कि बड़ा अच्छा बना था, बड़ा मज़े का बना था। और ये जी जो है ना भिंडी और चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मेरा जी काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि मैं क्रीम चाट खाऊं, तो फाइनली आज मैंने जी अपना दिल की ख्वाहिश को पूरा किया। क्रीम चाट बनाई तो नहीं थी, लेकिन शहर से मंगाई थी और वो ही खा रही हूँ। साथ में हांडी बना रही थी और खड़ी होकर साथ खा रही थी, तो जो कि काफ़ी मज़े की थी। मुझे इतने दिनों से क्रेविंग हो रही थी कि मैं क्रीम चाट खाऊँ, लेकिन बना तो नहीं सकी, लेकिन झटपट मंगा के तो वो मैंने जी खा ली, तो बड़ी ही मज़े की बनी थी। बनी नहीं थी मतलब कि बड़ी मज़े की थी, मैंने तो बनाई नहीं थी। मैंने जैसे पोस्ट भी अपनी शेयर की थी कि मेरी बेटी का बर्थडे था, तो बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं की ऐसे, लेकिन एक छोटा सा सिर्फ केक कट किया था। यही समझे कि मिनी बर्थडे है, तो उसी का यहाँ पे केक कट हो रहा है अपने मामू के साथ बैठ के। तो यहाँ पर मिराल ने केक कट किया है। जस्ट जी मिराल की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी की थी कि केक कट कर जो है ना करना, तो वो केक मामू उसका ही लेके आया था, तो उसी ने कट किया। मैंने अभी प्रॉपरली जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, तो बस जी ये सिर्फ इधर केक कट किया था, और अम्मी थी साथ में, और साथ में मेरे भाई थे सुभान और मेरी भाभी, यही थे हम सब लोग, बाकी और जो है ना कोई भी नहीं था। तो सिर्फ यही केक कट करके तो हमने जी एक मिनी बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट की है, ताकि मिराल भी खुश हो जाए और जो दूसरे बच्चे हैं सुभान और फातिमा वो भी खुश हो जाए। जी तो केक कट जो है ना वो दिन के टाइम पे ही किया था, तो मज़ा आया। जब बच्चे खुश हो जाते हैं तो जो है ना अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये जी दही बल्ले मैं खा रही थी, ये ना समझे कि मैं ऊपर नीचे खा रही थी, नहीं ये शाम के वक्त था, तो वो खा रही थी मैं, वो जो है ना फ्राइडे वाले दिन का था। दही बल्ले खा रही थी और साथ में जी बना रही थी डिनर के लिए, यानी कि नेक्स्ट डे डिनर के लिए जो है ना पुलाव बना रही थी, जिसमें मेरे लेफ़्ट ओवर चने पड़े हुए थे, ब्लैक चने बनाए हुए थे तो वो लेफ़्ट ओवर पड़े हुए थे, तो वैसे तो ख़त्म नहीं थे होने सालन जो है, तो मैंने सोचा चले चावल बनाते साथ में आलू डालती हूँ, साथ में वही चने जो है लेफ़्ट ओवर पड़े हुए हैं तो वही शामिल करके तो जो है ना चावल बना रहते हैं, ताकि सालन भी हमारा ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो। तो आप इसी तरह अगर कोई लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ ऐसा जो चावल में यूज़ हो जाए, तो अगर कोई नहीं खा रहा, कभी दिल नहीं भी करता खाने को, तो इस तरह आप भी जो है ना वो सालन जो है ना वो चावलों में यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब चावलों में जाके और मज़े के हो गए थे, तो ये बस वही चावल वगैरह बनाए हैं,
और साथ में ब्लैक चने जो पड़े थे वो शामिल कर दिए थे। तो डिनर जो है ना, इसी तरह हमने मज़े का डिनर जो अपना एंजॉय कर लिया था। आपको मेरे व्लॉग कैसा लगा आप भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। तो ये था जी आज का व्लॉग, जो कि एक छोटी सी मिनी बर्थडे थी। बच्चों को बस खुश करना था, तो बच्चे खुश हो गए तो हम खुश हो गए। तो बस जी अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, अपने दबाव में मुझे भी याद रखा करें। आपका प्यार होता है जो आप वीडियो को लाइक कर देते हैं, और ये प्यार हमारे लिए ना बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ जो है ना वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो मैं यहाँ पे अब जो है ना डिनर कर रही हूँ, ऊपर सिंपल कुछ भी नहीं था, जस्ट जो है ना दही था वो डाला, और लंच जो है हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया। मैं मिलूँगी आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।